अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगे सुरों का पहरा, निमरा महरा, और कह कहो से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मजा। दुनिया में मल्टी टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है। कुदरत ने ऐसे कई शाहकार लोग पैदा किए हैं जो बयक वक्त उनमें कई कई टैलेंट होते हैं, लेकिन देखा यह गया है कि इनमें एक अलमिया होता है, और वो अलमिया ये होता है कि ये अपने मुख्तलिफ जो टैलेंट होते हैं उन पर फोकस नहीं कर पाते। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो जहाँ भी परफॉर्म करते हैं ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं। इनको आप खालिस शहद कह सकते हैं, इनको आप खालिस दूध कह सकते हैं, जो कि बहुत कम कम होता है, बहुत ही रेयर होता है। अरे वाह, क्या बात है एंकर दो प्याजा। क्या हुआ? यह बंदा आधा घंटा बीवी को चिड़का खा के बाहर आके कहन दंदा आज फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। तो भाईजान मैं ये कह रहे हैं कि तुहाडी गल एडी पक्की है। अच्छा जी, ऐसे ही हम में भी कई टैलेंट हैं। ओके, यानी हम शमशीर जन भी हैं। ओहो, हम नेजाबाज भी हैं, हम योद्धा भी हैं, और आदिल बादशाह भी हैं। जान की अमान बहु, तो अब्बा हजूर कुछ अर्ज करूं? करो। वो टैलेंट तो आपने बताई नहीं जो राया को पता ही नहीं है। कौन सा? ये भी तो सुना, तुसी लकी रानी आग दे कड़े चो भी नंग जांदे हो, तुसी तौना सरिया भी सीधा कर लेंदे हो, होर ते होर तुसी साइकिल ते कसूरी मेथी भी बेच लेंदे हो, और बसों में फक्की बेचने के लिए चढ़ते हैं। ये वाकई आप ये सब काम कर लेते हैं? गल सुनो, एवं उन्होंने एक झूठा ना पाओ। ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ 27 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾੜੇ ਦੇ ਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਤੋੜ ਲੈਣਾ। ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਕਤ ਹਮਾਰੇ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਮਹਿਮਾਨੋਂ ਸੇ ਆਪਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਾ। ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਲੈਜੈਂਡ ਐਕਟਰ ਹੈ, और इनकी कंट्रीब्यूशन, इनकी और इनके खानदान की बेमिसाल है पाकिस्तान के शोबिस में। और माशाल्लाह इनकी तीसरी जनरेशन जो है वो शोबिस में परफॉर्म कर रही है और हमारे दिलों पर राज कर रही है। पर्सनली तौर पे ये मेरे उस्ताद हैं, और आज मैं जो कुछ भी हूँ उनमें इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। तो आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली वेरी टैलेंटेड वसीम अब्बास। और जो हमारी दूसरी सुपर जूपर मेहमान है, एक सियासतदान है, खातून है, मेंबर है पंजाब असेंबली, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से इनका ताल्लुक है। आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बराए वुमेन विंग साउथ पंजाब हैं, और आजकल पीटीआई में सभी बहुत एक्टिव हैं, तो ये भी बहुत ही एक्टिव हैं। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली सबीन गुल खान। वेलकम टू तंजो मजा। बहुत शुक्रिया वसीम भाई। एक बात बताइए, ये जो माशाल्लाह आपने जवानी का स्टे ऑर्डर लिया हुआ है, जवानी आपकी रुक सी गई है, कोई आबे हयात आपके हाथ में लग गया है, या आजकल आप महविश हयात को बहुत गौर से देख रहे हैं? चक्कर क्या है सर? नहीं, मुझे लगता है कि ये कुछ अंदरूनी हालात होते हैं और कुछ बैरूनी हालात होते हैं। ओके, तो शायद बैरूनी हालात जो हैं वो आप लोग देख रहे हैं और ये कह रहे हैं, अंदरूनी हालात का सिर्फ मुझे ही पता। उसी में बड़े सियानों से पूछा है कि जो हुसन है इंसान को जवान रखता है, क्या आप अपने बुजुर्गों की इस बात पे यकीन रखते हैं, या आप ही वो सियाने हैं जिन्होंने ये बात कही है? नहीं, हम तो बुजुर्गों की बात पे यकीन रखते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। और मसलसल कर रहे हैं, मेरा ख्याल करना चाहिए। हमारी सोसाइटी में ना बहुत सारी बातें ऐसी हैं काशिफ, जो हम अननेसेसरीली इंसान को उसकी एज का कॉम्प्लेक्स देना शुरू कर देते हैं, या इस तरह के मसाइल हो जाते हैं। ये जो एक फील होती है ना, क्या बूढ़े हो गए, कि आप की उम्र अब क्या हो गई है, अब आप 45 साल के हैं, लेट्स सपोज 45 साल के हैं, तो आप क्या है जी, अब आपने ये क्या पहना हुआ है, अल्लाह अल्लाह करने की उम्र है आप, और असी कह कह कई बंदे नु ना लताओं दी कब्र चवा। मतलब वो जितना मर्जी फिट हो, वो जितना मर्जी आपसे ज्यादा बेहतर हो, हाँ जी, 26 साल 30 साल के नौजवान से ज्यादा एनर्जी हो, उसको कह कह के ही मार देते, और कई यार इतनी हो जाके कब्र भी मार्क कारण दे, कफन भी खरीद देता। मतलब
सारे ही मैं कह रहे थे हरे वक्त आ ही गया उन ख्वाब भी ओह जे आने लगे ओ सवेरे उठदा है तो शुक्र करदा बच गया चिट्टे सूट वाला बंदा सामने आ जा घबराया घबराया इन्हें मेरे लिए ही पाए इससे निकलना चाहिए हम गोरों की मिसालें देते हैं भाई मैंने तो वहां 90-90 साल के लोगों को एंजॉय जिंदगी को करते थे दैट्स द पॉइंट दैट इज द पॉइंट मैंने देखा है कि वो क्रिकेट मैच भी बैठ के देख रहे हैं उन्होंने फेल्ट भी पहना हुआ है उनकी 85 साल की बीवी भी साथ है एंड दे आर हैप्पी हां जी तो 85 साल की बीवी ने देख के सगो हैप्पी हो जाता है शुक्र है बुढ़ी हुई ऐसे तो अपनी बीवी को जवानी ही बुढ़ा कर देते हैं ना की हाल है तेरी बुढ़ी का मतलब ये कहा जाता है पंजाबी में यही इस्तेमाल होता है कि यार मेरी बुड्ढी नहीं ठीक यार मैं फलाना सबीन साहब ये बताइए खान साहब की मकबूलियत का किसी से इनकार नहीं है रेजीम चेंज होने के बाद खान साहब वाकई बहुत मकबूल हैं लेकिन जो मईशत है उसका हाल पहले भी इतना अच्छा नहीं था और आज भी इतना अच्छा नहीं है आपको क्या लगता है कि आप इन पाकिस्तान की आवाम को क्या होप देंगी कि हमारी ये जो मईशत है ये कब स्टैंड होगी नो डाउट कि हमने उस वक्त बहुत मुश्किल वक्त देखा लेकिन लोगों को स्टेबल किया मईशत को स्टेबल किया और हम एक ट्रैक पे जैसे ही चढ़ने लगे रिजीम चेंज आ गया और रिजीम चेंज के बाद जो रिएक्शन आया वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अच्छा, इस तरह से होगा वसीम भाई से एक बात पूछते हैं वसीम भाई आपको कैसा लगा पहला रिएक्ट जब आया जब पीटीआई की हुकूमत आई आज से 3.5 साल पहले और बहुत अप्स एंड डाउन्स के बाद एकदम आपको बताया गया कि आपके सूबे का वजीर आला जो है वो उस्मान बुज़दार होगा जब आपने उस्मान बुज़दार साहब को देखा तो देख के जो आपका इंस्टेंट रिएक्शन आया मैं वो जानना चाहता हूँ तो यार एक ही हो गया सिद्धा ही रिएक्शन तो यही था मैं कह रहा ये क्या है अच्छा हाँ जी देखे ना हमारी एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो है जो कि अब बिलखसूस अब इस दौर में इस दौर से मेरी मुराद है पिछले 10-15 बरस से ये जो एक दूसरे के साथ इस कदर दुश्मनी का लेवल हो चुका है ये हमने तो नहीं देखा था पहले बिल्कुल सही अब आप देखिए ना वो लोग जो कल एक दूसरे को गालियां दे रहे थे वो आजकल एक दूसरे की बगल में बैठे हुए हैं पता नहीं क्या है इस सीट का नशा या ये ताकत का नशा कि ये इंसान को पागल ही कर देता है बिल्कुल सही कह रहे हैं वो पंजाबी में कहते हैं तुसी ऐसा जिन जफा पांदे हो कि फिर कोई वड्डा जिन नहीं आके छुड़ा सकता है तुहाडे कोलो होर कोई नहीं छुड़ा सकता शेखो अब तैनू कोई जोका ला दंदा है बा खुदा हम वसीम अब्बास साहब के बहुत बड़े फैन हैं इनको आला तरीन शाही एजाज दिया जाए और लिबर्टी चौक में इनका मुजस्मा लगाया जाए जान के अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूंगा बाहर जो करो बेटा मैं केड़ा रोक देना तन्ने जगह चेंज कर लो लिबर्टी चौक से ना इनदा मुजस्मा लो उथे आए दिन पीटीआई दा जलसा हुंदा ओ ना होवे ताड़े ना दा ते उथे चेहरा इमरान खान दा लो सही बात है मान सिंह जी मेरी जान सिंह की गल यार एदा कुछ करो एदी सीट किते होर रखवा देया करो तो भाई आपका मान सिंह है आप जाने मान सिंह जाने हमारा क्या है चल यार ऑर्डर लाया कर ना करया करो ऑर्डर ला के मान सिंह वसीम अब्बास साहब को 21 तोपों की सलामी दी जाए तोपों के गोले और आपके ब्लड प्रेशर की गोलियां दोनों ही मुक चुकी हैं और एक बात आपको बता दूं गुर्बत और महंगाई की वजह से अवाम के काफले हमारे शाही महल की तरफ गामजन हो चुके हैं ते आण दियो तुहाडे कोलों की लबणा है अवाम के काफले अगर आपकी तरफ गामजन हुए तो कुछ दे के ही जानगे शेखो क्या बात है अबू ऐसे करो पेट्रोल 50 रुपए महंगा करके 10 रुपये सस्ता कर दे वाह वाह अवाम नु तुहाडे फार्मूले दा पता लग गया हुण तुसी पेट्रोल मुफ्त भी दियो तो उन्होंने नहीं मनना तो ठीक है हमारे इंग्लिस्तान जाने का बंदोबस्त किया जाए तो फिर उस हागडार बेचारे दा की करना ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਮੇ ਥੇ ਕੁਝ ਠੰਡੇ ਪੜਤੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਚਲੇ ਇਸ ਪੇ ਲੇਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਹੀਂ ਮਤ ਜਾਈਏਗਾ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਨਜ਼ੋ ਮਾਜ਼ਾ ਜੀ ਤੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ हमें तो ये भी नहीं पता था
कि लोगों से पैसे कैसे मांगते हैं। जिलेला ही सही कहते हैं, छोटी उम्र में यतीम हो गए, पूरा टब्बर इन्हां नूं पालना पिया और उस टब्बर नूं पालन लई इन्होंने की नहीं कीता। कदी मौत दे खूह ते नचे ने, कदी मेलियां च रस्से दे उत्ते नंगे पैरी टुरदे रहे। कौन ऐ साडा जिलेला ही मरना। अच्छा, कदी मदारी बन के रिछ नचाया ते कदी मदारी ना रिछ बन के नचे ने। हालात ना लड़ लड़ के जेड़े भरा नूं पढ़ाया सी ओ भी ख्वाजा सरा निकला। और जिस ख्वाजा सरा दे पिछे इन्होंने सारी जिंदगी गाली सी ओ भी एंड ते जाके सही हो गया। ए तुहाडे अरगे वकीलां दी वजह तो इमरान खान आया हल होया जे। तारीफ तो चंगी कर दो, कोई एक गल तो मेरे हक च कह दो। अच्छा, मैंने आपको इंट्रो में बताया कि वसीम भाई जो हैं वो मेरे जाती उस्ताद हैं और मेरी जिंदगी पे इनके बहुत से एहसानात हैं और एक एहसान जो है वो मैं हमेशा याद रखता हूँ। ड्रामा था जिसका नाम था आशियाना, जब हम उसको बना रहे थे तो वसीम भाई का एक जुमला मुझे हमेशा याद रहेगा कि उसमें बड़े प्रॉब्लम्स थे, बड़े अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन वसीम भाई उस वक्त मुझे एक मोटिवेशन देते होते थे कि एन बनाला, तैन नहीं पता कि तू की बना रहे हैं, ए जो तो लगेगा तो फिर देखी तारीख रकम हो जाएगी। और वैसे ही हुआ और आज मैं ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ कि सर आपका बहुत शुक्रिया, आपकी वो बात बिल्कुल सही थी कि आज उसी ड्रामे की पहचान जो है वो सारी जिंदगी। कुछ याद करेंगे आशियाना? आशियाना के साथ मेरी बड़ी अच्छी मेमोरीज हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मेमोरीज हैं। एक तो आपकी स्ट्रगल मेरे सामने है, जिस तरह आप आए, जिस तरह आपने उस वक्त बहुत कम प्राइवेट प्रोडक्शंस बन रही थी, बहुत ही कम बन रही थी, और जिस तकलीफ में आपने उसको कंप्लीट किया और जो कॉन्फिडेंस था आप लोगों में कि ये प्ले क्लिक करेगा। मैं आपको बताऊं कि मुझे इतना काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत के सदके में किया है हमने, लेकिन दो ड्रामे जो हैं वो लोग हमेशा, आज की जनरेशन भी कहती है, बिल्कुल सही, एक फैमिली फ्रंट है, एक आशियाना है। एक फिल्म थी जी जी जिसमें आप बाबरा शरीफ साहिबा के अगेंस्ट हीरो थे जी जी। पहले तो ये बताइए कि जो लोग बाबरा शरीफ साहिबा के अगेंस्ट हीरो आते थे उनको होश कितने दिनों बाद आता था? नहीं, वो ऐसी बात नहीं थी। बाबरा के साथ मेरी 6-7 फिल्में हैं, बल्कि शायद इससे भी कोई एक आध ज्यादा ही होगी। और सब में आप हीरो थे उनके? जी, मैं उनका हीरो था। क्या बात है। मैं उनका हीरो था जी, लेकिन बाबरा का मैं बहुत बड़ा मद्दा था हूँ और रहूँगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में तब से लेके आज दिन तक अगर आप टॉप 3 फीमेल एक्ट्रेस का नाम लिखेंगे तो उसमें बाबरा शरीफ का नाम जो है वो। 3-4 ऐसी बातें हैं जिन्होंने वो देखी हैं उनको बहुत ही खुशनसीब कहा जाता है। एक तो ये कि जंगल में मोर नाचा किसी ने देखा होगा, छोटी मक्खी का खालिस शहद अगर किसी ने देखा है तो बहुत ही लकी है, और एक वो बंदा बहुत लकी है जिन्होंने बाबरा शरीफ साहब की नौजवानी देखी है। ज़रा आप उनका ग्लैमर ज़रा अपनी खूबसूरत अल्फाज में अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो कैसे तो बहुत बहुत ही टैलेंटेड खातून है, ये तो हमें पता है, बहुत टैलेंटेड। हम ग्लैमर की बात कर रहे हैं, ग्लैमर कुछ और सुनना चाहते हैं ना। मैंने नहीं, मैंने भी उनका ग्लैमर दूर से ही देखा हुआ। ये बात असल में ना, मैं समझता हूं कि जब इस लेवल की, जिस लेवल पे वो हिट थी तो वो थोड़ी सी मूडी थी, थोड़ा ना वो उसमें उनके मूड में फ्लक्चुएशन रहती थी। ओके, एट टाइम्स वो आपको बहुत प्लेजेंटली ग्रीट करती थी, आप सेट पर जाते थे, एट टाइम्स वो बहुत मूड में बैठी होती थी। ओके, तो हमारी प्रॉब्लम हमेशा से ये रही कि हम भी थोड़े से मूडी हैं। अगर कोई मूड हमें दिखाए तो फिर हम समझ गए, मजबूरी हो जाते आगे समझ आ गई बात, बेहतर यही है। चलो सर, निम्रा मेहरा के सवालों का वक्त हुआ चाहता है जी। निम्रा सवाल कीजिए, किससे करना आज आपने सवाल? मैं सर से ही सवाल करना चाहूंगी। सवाल तुमने करना था लेकिन लहंगा तो इस्त्री कर होना सी। ये इसका स्टाइल है। अच्छा, मैं क्या और पता नहीं पेटी चो कटे। सर आपके फैमिली में एक लेगेसी सिंगिंग की भी थी, एक्टिंग के साथ साथ, तो आपकी फैमिली में से आगे किसी ने सिंगिंग को परस्यू नहीं किया, ना आपने, ना अली अब्बास ने, ना बाकी किसी ने? मुझे लगता है जी कि जब मैंने काम किया था, मेरे फादर तो मेरे काम करने के भी खिलाफ थे जी, क्योंकि वो खुद इसी काम में उन्होंने नाम कमाया, इज्जत कमाई, पैसा कमाया। और सुना है आपने बड़ी मुश्किल से अली को इजाजत दी थी? जी, हाँ। जी 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 मैंने अली को इजाजत, मेरा मौकफ सिर्फ ये था कि पहले एक डिग्री
जो है वो आपके पास जरूर होनी चाहिए। अच्छी बात है। आपकी तालीम मुकम्मल होनी चाहिए, उसके बाद अगर आप करना चाहते हैं तो करें। तो मुझे लगा कि जब मेरा पहला प्ले चला टेलीविजन पे, तो लोग जब मेरे वालिद साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि आपके बेटे ने अच्छा काम किया है। तो मुझे लगा कि यार ये तो ठीक हो गया। अब जिस काम में उन्होंने इतनी इज्जत कमाई हुई है, जो सिंगिंग उनका, मैं मेरे नज़दीक, मैं उनको अगर शोबिज़ के एतबार से देखें तो एक्टर से बड़ा सिंगर समझता हूं। तो मैंने कहा कि मैं क्या इसमें, मेरे कोई ऐसा मेरे अंदर वो वस्फ भी नहीं था, कोई ऐसी क्वालिटी भी नहीं थी। गुनगुना तो हर बंदा ही लेता है आप। वो नहीं, भाई गुनगुनाने से तो बहुत आगे हैं। कुछ सुनाई दें फिर आप। सुनाने वाला काम जो है ना, इतना तो माजरत है। बल्कि आशियाना ड्रामे के एंड पे हमने कुछ टप्पे रिकॉर्ड किए थे, वो टप्पे वसीम भाई ने अपनी आवाज में रिकॉर्ड किए थे। अब मुझे वो टप्पे भूल भी गए। सबीन साहब एक बात बताइए, लॉन्ग मार्च लगता है ऐसे कि हर मसले का हल जो है वो ये लॉन्ग मार्च है। ये लॉन्ग मार्च होगा तो पाकिस्तान ट्रैक पे आ जाएगा। लॉन्ग मार्च के अगर मकासद जो हैं वो अगर नहीं हासिल होते, व्हाट नेक्स्ट? फिर एक शॉर्ट मार्च कर लेना। फिर क्या होगा? देखें, मूवमेंट स्टार्ट की है। ओके। और हम, अब मैं ये नहीं कहूंगी कि हमें उम्मीद है, हमें उम्मीद के साथ यकीन भी है। ओके। हम इंशाल्लाह ताला पूरी कौम जो है, पूरे पाकिस्तान इसमें सक्सेसफुल होगी। लेकिन अगर ये ढीठ बन के बैठे रहते हैं। सच्ची बात बताइए मुझे। बिल्कुल सच्ची, मुझे पूरा यकीन है कि अगर वाकई 10 लाख लोग पाकिस्तान में एक वक्त में सड़क पे निकल आए तो कुछ भी हासिल हो सकता है। प्रॉब्लम ये होता है कि अल्फाज में हम कहते हैं मिलियन मार्च, वो होता नहीं है। सही कहा। आपको क्या लगता है क्यों नहीं हो पाता? देखिए, अगर मैं 25 मई में जाऊँ ना, क्योंकि हम तो उसका हिस्सा थे, विटनेस थे उसके, हम आपको बहुत मार पड़ी, मार पड़ी थी जी, तब भी आवाम निकली थी और उनको पकड़ा गया, पकड़ धकड़ की गई बड़ी। ठीक है, हमने जो तादाद कहा है उससे भी ज्यादा लोग बाहर निकलेंगे। लोग अभी जो है गुस्से के अंदर हैं। और अगर मेरा ख्याल है कि अगर वो अकलमंदी का मुजाहरा करें और पाकिस्तान को पाकिस्तान को उस नहज पे अगर नहीं पहुंचाना चाहते वो सब, वो तमाम जिम्मेदार लोग, तो इलेक्शन का अनाउंस। अच्छा, मैंने ये बात, आपकी इजाजत अगर हो तो सवाल पूछ सकता हूँ? सबीन साहब, मुझे ये बताइए कि आज से ठीक 8 महीने पहले यही तकाजा PDM कर रही थी कि आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाइए, तो आप लोग क्यों नहीं मान रहे थे? क्या आपको उस वक्त ये खौफ था कि आपकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है कि आप अवाम में जा सकें? और क्या आप इस बात को अब तस्लीम करती हैं कि इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसे भी यही ड्रेड है कि इस वक्त हमारी कारकर्दगी ऐसी नहीं है कि हम इलेक्शन में जा सकें? तो कोई फर्क तो हमें इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेट्स सपोज अगर 8 महीने या 10 महीने के बाद इलेक्शन होता है तो क्या आपको ये खौफ है कि मईशत बेहतर हो जाएगी, हालात ठीक हो जाएंगे, तो फिर जो 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 आपकी ओपोनेंट पार्टी है वो भी आप जितनी स्ट्रांग हो सकती है? ख्वातीन औजाद, इसे कहते हैं वसीम अब्बास। पूरे पाकिस्तान साढ़े हक की भी गल किसी ने की, सानू बचा लिया जैसे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वसीम भाई। उस वक्त और इस वक्त में बहुत फ़र्क है। आपका पहला क्वेश्चन के तब वो डिमांड करते थे जी। तब भी हम आए थे तो मैंडेट, अवाम की मैंडेट के ऊपर आए थे, रजीम चेंज पे हम नहीं थे। ठीक है, और अब भी हम ये कहते हैं कि रजीम चेंज, हमारे तो लड़ाई रजीम चेंज के ऊपर है। जो सबसे ज़्यादा वोटों के साथ जो हुकूमत आई, आपने उसको अनफेयर तरीके से हटा के और जो अकलियत में थे उसको बिठा दिया। हमारा तो यही मुतालबा है कि जो जिसको अवाम ने इलेक्ट किया वही हुक्मरान होना चाहिए। उज़्मा बुखारी, हिना परवेज भट्ट, मायजा हमीद गुजर, इनके साथ आपके ज़ाती ताल्लुकात कैसे हैं? मेरे ज़ाती ताल्लुकात नहीं है, कोई भी मेंबर हैं वहाँ पे मुलाकात हो जाए तो। अच्छा, अक्सर हमने देखा है कि पंजाब असेंबली में जब मर्द हजरात आपस में लड़ते हैं तो हाथापाई बड़ी आवाज़ें भी कसते हैं और बहुत गालम गलोच भी होता है। जब खवातीन आपस में लड़ती हैं MPs, तो लड़ाई किस हद तक जाती है? ऐसा तक। आपने काशी भाई वो वीडियो नहीं देखी जो असेंबली के अंदर जब पुलिस आई थी और जब मार कुटाई हुई थी, पहले उन्होंने हमें मारा और किस तरह से उसके बाद जो वीडियो वायरल की उसमें मैं भी थी उस वीडियो के अंदर जो हम पुलिस को, आप क्या किरदार अदा कर रही हैं? सबको पता है जब वो हमें मार रहे थे तो फिर हम अपने आप को बचाने के लिए भी असेंबली जी ने फिर खवातीन मेड़े भी देनी है ना एक दूसरे को। नहीं तू हर किसी को पसंद है कि वो वेल ड्रेस होकर जाए,
तो क्या आपस में जब MPs बैठी होती हैं मुखालिफ पार्टी को, जब आप देखती हैं कि आज हिना परवेज भट्ट ने क्या पहना हुआ है, इसका मेकअप कैसा है, कोई गॉसिप करती हैं आप लोग, क्या नॉर्मल रहता सब कुछ, क्या बातें होती हैं? काशी भाई, ये सिर्फ ख्वातीन में बातें नहीं होती, हमने तो अपने मेल हजरात को भी जो है मतलब ये बातें करते हुए देखा है। अपनी बात बताइए कि आप लोग आपस में क्या कहते हैं? हम MPs के साथ साथ फीमेल्स भी तो है ना, यही बातें होती है। हम अकबरी दरबार में सबीन गुल जी को एक एजाज देना चाहते हैं। तू सुनाई दे हो, रहन दे हो। हम आपको एक मखसूस नशिस्त देना चाहते हैं। मखसूस नशिस्त? बादशाह सलामत की जो मखसूस नशिस्त है ना, हाँ, वो आपको पता नहीं है वो क्या है। बिल्कुल जी, हाँ जी, क्या है सर? वो मखसूस नशिस्त जो है उसमें मरी वाला कार हर वक्त खुली होती है, कोई इनकी मखसूस नशिस्त का कोई मसला नहीं। बादशाह सलामत जी, बताइए कि आपकी कमर दर्द का क्या हाल है? कमर दर्द जब तक हुकूमत कायम है मेरी कमर भी कायम है। आज सच्ची बात हम बता ही देते हैं। क्या ये कमर दर्द किस वजह से निकली? कौन कहना है डिग्गी च बह के जाओ? लेकिन कमर दर्द तो बादशाह सलामत की बहुत पुरानी है, उदो भी डिग्गी ची सा। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ हकूमत के लिए हम फिट होते हैं। अच्छा, जब हम हकूमत से बाहर होते हैं उस टाइम साड़ियां दर्दा उठाने। ये बताइए कि आपके निकाह जब आप करते हैं, हाँ जी, तो गवाह कौन होते हैं? कमर दर्द के डॉक्टर। अच्छा, जिनको पता होता है कि इनको कहां कहां दर्द होती है। ओके, और आप एक मरतबा हमारे जरा गवाह बने, आपको पता ही नहीं हम कैसे शादी करते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे। चले, वाकई सही कह रहे हैं, लेकिन काफी देर हो गई है बादशाह सलामत, इस कॉम ने आपका वलीमा अटेंड नहीं किया। चले, इसमें लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो माजा। वेलकम बैक, वक्त हुआ है तंज मजाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। अभी हमने रिसेंटली देखा कि पाकिस्तान में पानी ने बेपनाह तबाही मचाई, और अब आप बहुत जल्द सुनेंगे कि पानी की कमी हो गई। ये नालायकी जो है ये हमारी वजह से हो रही है। ये पानी जो है इसको जब तक हम जमा नहीं करेंगे, आप यकीन करें हम तरक्की की राह पे गामजन नहीं हो सकते। और इस पे भी सियासत होती है कि ये डैम सही है या नहीं सही, इसको भी मुतनाज़ा बनाया जाता है। क्यों? इसलिए कि साढ़े दिमाग की बत्ती बंद है। तो देखना ये है कि हमारे जो सुपर डुपर मेहमान हैं उनके दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। वसीम भाई की दिमाग की बत्ती तो जब ये सोए होते हैं तब भी रोशन होती है। सर, एक सवाल, आपको चार ऑप्शन दूंगा, आपने किसी एक की सिलेक्शन करनी है। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा ऐसा डायरेक्टर आपको मिला होता कि आपका भी मुजस्मा मदाम तसाओ की म्यूजियम में लगा होता एज एन एक्टर? आपको चार ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर 1 के आसिफ, ऑप्शन नंबर 2 जेम्स कैमरॉन, ऑप्शन नंबर 3 यश चोपड़ा, या ऑप्शन नंबर 4 सूदी भट्ट। सूदी भट्ट। वाह जी वाह, यार क्या बात है, मेरा दिल कह रहा है जी। आया है करेक्टर की आड़ में वसीम भाई, आपने किस हिरन को दिल की बात कह दी हो? हो जाता है इन चारों में से। इन चारों में से ऑप्शन नंबर 1 रानी बेगम, ऑप्शन नंबर 2 श्रीदेवी, ऑप्शन नंबर 3 जेबा बख्तियार, या ऑप्शन नंबर 4 मुसर्रत शाहीन। तुसी मिक्सिंग देखो जरा। रानी बेगम की तो मैं लिटरली गोद में खेला हूँ। अच्छा, जी 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 वाकी? जी जी, मैं इतना बूढ़ा नहीं। मैं बिल्कुल बच्चा था। ओके, और जब कभी हम अपनी फिल्म की शूटिंग देखने जाया करते थे तो उसमें 2-4 मरतबा ये इत्तफाक हुआ। बाकी आपने श्रीदेवी और मुसर्रत शाहीन और जेबा बख्तियार, इत्तफाक से हमने कभी इकट्ठे काम तो नहीं किया। मुझे लगता है कि मुझे ये कहना चाहिए तो शायद मैं उनसे कह दूं। चल ठीक है। अरे सर, एक फिल्म में आपको मरकजी हीरो के तौर पे, इसी एज में फिल्म का आप हीरो हैं जी, और करेक्टर ये है कि एक स्टूडेंट को अपने टीचर से मोहब्बत हो गई है। ठीक, तो सिलेक्शन आपने करनी है कि आप अब आपके जो अगेंस्ट स्टूडेंट का रोल अदा करेंगी, इन चारों में से कौन हो सकती है? ऑप्शन नंबर 1 मायरा खान, ऑप्शन नंबर 2 सबा कमर, ऑप्शन नंबर 3 आलिया भट्ट, ऑप्शन नंबर 4 राखी सावंत। I'm a huge fan of Mahira Khan. Okay. और मायरा खान के सामने अगर आप अली भी बहुत बड़ा फैन, अगर आप एंजेलिना जोली का नाम लेते तो वो भी मैं कहता हूँ।
सादे मोहतरम नहीं है, लालियां कैसी हैं पक्की। और आप यकीन करें कि जब अली ने जिक्र किया था तो अली की लालियां भी इतनी बखरी लाइक फादर लाइक सन। अच्छा जी, इनमें से किससे आपने बहुत कुछ सीखा? जी, ऑप्शन नंबर वन दलीप कुमार साहब से। जी, ऑप्शन नंबर टू मोहम्मद अली साहब से। जी, ऑप्शन नंबर थ्री द ग्रेट कवि खान साहब से। जी, या ऑप्शन नंबर फोर हालात से। हालात से तो हर आदमी सीखता ही है जी। आप अगर तो काम के हवाले से बात कर रहे हैं तो मैं कवि खान साहब का नाम लूंगा। अच्छा सर, अब मैं कुछ मुहावरे बोलूंगा। जी, आधे। जी, आपने आधे मुहावरे पे एक बंदे का नाम फिट करना है और मैं चाहूंगा कि आप वो जो नाम फिट करें तो मोस्टली सियासत की तरफ ही रहिएगा। ना आपके जहन में कुछ आए तो आप अपनी फील्ड में भी आ सकते हैं या आप कहीं और भी जा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये मुहावरा किस पे सूट करता है? जी 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 जी। पहला मुहावरा, जी, नाच ना जाने डैश 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 डैश। केड़ा बंदा बंदा को पक्का ही सही नहीं। वो पता क्यों हो रहे हैं कि बंदे ज्यादा ने ना केदा लो। देखिए हमारे ना जी, अब अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं सारे ऐसे, वो सारे ही ऐसे। ये मैं आपको बताऊं, मैं खास तौर पे एक नाम लेना चाहूंगा क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता था, करता हूं और करता रहूंगा, लेकिन मुझे वो अच्छे नहीं लगते जब वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे होते हैं। वो हैं कमर जमान कायरा साहब। वो बहुत काबिले इज्जत, काबिले एहतराम आदमी हैं और उनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है। ऐसे लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जी, आज जो है ना तंज व मजाक के प्रोग्राम में ये बात जो है डिक्लेयर की जाती है, नाच ना जाने कमर जमान कायरा। बिल्कुल सही, आगे चलते हैं। बेगानी शादी में डैश 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 दीवाना। चौहान साहब। बेगानी शादी में फयाजुल हसन चौहान दीवाना डैश डैश डैश। ओके, ये डैश 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 आप पे छोड़ दिए, जो मर्जी लगा लें इसमें। अच्छा जी, मान ना मान मैं तेरा डैश 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 डैश। शहबाज शरीफ। मान ना मान मैं तेरा शहबाज शरीफ। वाह जी वाह। अच्छा जी, अब बारी है जी सबीन साहब आपकी। आपको भी एक सवाल और चार ऑप्शन। पहले वसीम भाई के लिए बहुत सी तालियां होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे जवाब दिए उन्होंने। इन चारों में से कौन सी ऐसी खातून है जो आपकी नजर में बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हो सकती है? ऑप्शन नंबर वन बुशरा अंजुम भट्ट। ऑप्शन नंबर टू मुसर्रत जमशेद चीमा। ऑप्शन नंबर थ्री उस्मा बुखारी। या ऑप्शन नंबर फोर सबीन गुल खान। बहुत ही मुश्किल सवाल है, जवाब दीजिए ना, ये तो काम है हमारा। होना पड़ेगा आप नु कडण या दूसरे। दो नून की है, दो पीटीआई के। नून वाले तो कभी बन नहीं सकते क्योंकि चीफ मिनिस्टर बनने के लिए शरीफ खानदान का होना बहुत जरूरी है। यस, मैं चले जी सबीन गुल खान। बिल्कुल सही। अच्छा जी, एक जजीरे में आप अकेली हैं और तन्हाई दूर करने के लिए आपके पास चार ऑप्शंस हैं। इनमें से आप कौन सी ऑप्शन पसंद फरमाएंगी? ऑप्शन नंबर वन कि आप जरदारी साहब की बायोग्राफी पढ़ेंगी। ऑप्शन नंबर टू मरियम नवाज की तकरीर सुनेंगी। ऑप्शन नंबर थ्री एक मोबाइल फोन जिसमें सिर्फ मरियम औरंगजेब का नंबर है वो डायल करेंगी। या ऑप्शन नंबर फोर फिशिंग का सामान लेके मछलियां पकड़ेंगी। मछली ही पकड़ूंगी। और अगर मछली ना पकड़ी गई फिर ट्राई अगेन। फिर ये उनसे पूछेंगी ना फोन करके जिनका नंबर है कि आप कैसे पकड़ लेती हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। शेखो की गलो शोखो। मेरा मतलब आप बाजूर क्या कहता है? हम रियाया में अपनी मकबूलियत खो चुके हैं बेशक, और लोग हमें पसंद नहीं करते, देखना भी नहीं चाहते। अब्बा हजूर जान की अमान पाऊं तो एक कुछ अर्ज करूं? करो। हम एक मशवरा देना चाहते हैं आपको। क्या? तुसी चंगा करो ना, कौमे च टुर जाओ ते उठे जाके स्लिप हो जाओ। बहुत अच्छे, मैं विजिट वीजे ते कौमे च जाना है। वैसे तो हम इस चीज के चश्मदीद गवाह हैं कि आप एक बहुत डिसेंट आदमी हैं, लेकिन आपके अंदर एक रोमांटिक इज्म भी बहुत ज्यादा है। क्या ये पॉजिटिव रिपोर्ट है आपकी? ये जनाब मेरा ख्याल है कि ये जब मैं 5 बरस का था तभी पॉजिटिव आ गया।
जिस लैब में ये रिपोर्ट आई थी, जिस लैब से, उसमें लिखा हुआ था पॉजिटिव ऑलवेज फॉर एवर। ओके सर, एक गाना था, एक मुंडा, एक मुंडे का नाम वसीम है। वेरी embarrassing thing now. Wow, sir. अच्छा उस वक्त कभी ऐसा हुआ कि किसी खातून ने फोन किया और आपको ये गाना सुनाया हो, एक मुंडे का नाम वसीम है? देखिए उस वक्त ये सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल्स नहीं थे, बट आई एम श्योर कि अगर आज वो गाना होता इस दौर में और मैं भी वही होता जो मैं उस वक्त था, तो शायद बहुत सारे उस पर अभी भी बने। वो बड़ा वायरल भी हुआ, बहुत, सिर्फ मेरे नाम से नहीं, जिस जिसका नाम वसीम था तो वो मेरे चचा मरहूम जो है वो उन्होंने लिखवाया था, एक मुंडे का नाम वसीम है। ओके, वैसे आपने बहुत से दौर देखे, आपको क्या लगता है कि शिद्दत किस में ज्यादा है? लव लेटर में शिद्दत ज्यादा होती थी या लंबे लंबे फोन कॉल्स में? लेटर लिखना जो है वो एक बहुत मजेदार बात थी। ओके, और वो जो जिस जमाने में हमने रोमांस शुरू किए थे तो वो टेलीफोन जो था, PTCL फोन, उस पर जो हमने निशानियां रखी होती थी कि मैं दो बेल्स दे के बंद कर दूंगा और फिर आप नजदीक आ जाना और फिर आप ही उठाना और फिर बाज़ोकात ये होता था कि वालिदा आपके ये बैठे हुए हैं, ये वालदा बैठी हुई है। वालदा से तो खैर इतना हम नहीं डरते थे, वालिद साहब से बहुत डरते थे, और अगर आपने फोन उठाया है और आगे से आपकी यू नो गर्लफ्रेंड ही है तो फिर आप उसको बड़े तरीके से कहते थे कि नहीं सॉरी इट्स रॉन्ग नंबर। इससे पहले कि शो हमारा इख्तिताम की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस पॉइंट पे मैं आपसे जरा पर्सनल बात करना चाहता हूं कि मैं कुछ एक्टर्स के नाम लूंगा, मैं चाहता हूं कि आप जरा उनके बारे में बताइए कि आप इतने बड़े एक्टर हैं, वेयर यू रेट हुमायूं सईद? ब्रिलियंट एक्टर। देखिए काशिफ, इतनी फैन फॉलोइंग तुक्के के साथ नहीं बनती। अरे क्या बात है, ये लोग जो जो लोग उनके बारे में इस तरह की बात करते हैं कि नहीं एक्टिंग नहीं आती, वो झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल, और मैं तो कह रहे, मैं तो इस बात पे ऐड करना चाहता हूं, मेरे लिए हुमायूं सईद एक प्राइड का नाम है। Yes. मेरे लिए हुमायूं सईद एक डेके का नाम है, और मेरे लिए हुमायूं सईद वो आदमी है जिसने इस इंडस्ट्री को पे बैक किया है। आज इतना बड़ा इदारा उसका प्रोडक्शन कर रहा है, न जाने कितने एक्टर्स जो हैं उसके इदारे में काम करते हैं। सर वेयर यू रेट नुमान एजाज? नुमान एजाज इज अ वंडरफुल एक्टर। ताले। वेयर यू रेट फैसल कुरैशी? फैसल कुरैशी इज अ गुड एक्टर, नो डाउट। तो पिछले दिनों मैंने सोचा था कि हम इसको ऑन एयर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मौका नहीं मिला। एक वन ऑफ द बेस्ट एक्टर की अगर हम कैटेगरी पाकिस्तान में करें तो उनमें एक वसीम अब्बास का नाम है। तो आज उन तीन एक्टर्स के बारे में किसी ने, मैंने एक प्रोग्राम देखा जो उनको नंबर्स दे रहे थे और बहुत कम नंबर दिए, तो हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि इस एक्टर ने भी एक्टिंग की है और इसकी नजर में ये तीनों ब्रिलियंट एक्टर हैं पाकिस्तान के। आप कुछ भी कहें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक। अरे वाह 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 वाह, लेकिन बाबू के आने पे फर्क पड़ेगा। क्या पड़ेगा? कुछ भी नहीं। देखो जो कि संत संत वकील हम बाबे पहुंचे, बाबे है कोई सखी जो बाबे को भी एक्टिंग के गुर सिखाए? बिकॉज इतनी बड़ी एकेडमी आपके पास बैठी है तो हम क्यों ना सीखे। उस्ताद लोग आके बैठे हैं, क्या कहने। वाह 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 वाह, अज पट्टी साहब दे वो गाने दा मैनू पता लगा है कि होंठां उत्ते जंदरे लाल है, मुंह कुछ ना बोल, मिलेगा जुल्म दा बदला। हाय 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 हाय, वेरी नाइस। तुहानू को जुल्म दा बदला मिलेगा कि नहीं? तुहानू राणा सनाउल्ला ही मिलेगा है। तुहानू को 5 मई वाले जुल्म दा बदला मिलया होवे, कख नहीं बोलण नु कुछ नहीं। इन भी जलसा ही समझो, कुछ तो बोलो। बहरहाल क्या कहने, जो कि साधु संत फकीर हम बाबे पहुंचे, बाबे हम बाबे ने अपने जादू टूने के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों के हाल निकाले हैं। सोने जो कि जिस भी शो में गए हैं तो बाबे ने शाम निकाल के दिखाया है सियाने की, कहने नहीं क्या जा पूछ के आ। चटपन चौक चपन चटपन तुम टड़ा क्यों चढ़ा, सांप निकाल लो निकाल लो। अच्छा तुम कढ़ लिया जेड़ा कढ़ना सी।
ठंड आ गई करोना जान छड़ दा ते आ स्मोग आ जांदी मैं कहना दुनिया साडे फेफड़िया दी क्यों दुश्मन होई पई है चलो अच्छा शेर सुनाओ और जाओ काफी है निकलो सुकूत बढ़ने लगा है सदा जरूरी है कि जैसे हब्स में ताजा हवा जरूरी है वसीम भाई थैंक यू सो मच इट्स अ ग्रेट प्लेयर सबीन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज वाकई आपके साथ शो करके बहुत मजा आया तो खवातीन आजाद ये था आज का प्रोग्राम अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक नई जनरेशन को सर पैगाम देना चाहता हूँ कि रूल्स ऑफ द कंपनी अब चेंज करना पड़ेगा अगर आप तरक्की चाहते हैं एक जमाने में लिखा होता था कि टू रूल्स ऑफ द कंपनी रूल वन द बॉस इज ऑलवेज राइट रूल टू इफ द बॉस इज रॉन्ग फॉलो रूल वन आपको इसमें से निकलना है इफ समबडी इज रॉन्ग ही इज रॉन्ग आपको ये बताना पड़ेगा कि वो गलत है मेरा ख्याल है कि हमें अपने मुल्क को सुधारना है तो हम सबको पॉजिटिव होना पड़ेगा हम सबको पॉजिटिव होना पड़ेगा एंड दिस इज द ओनली थिंग दैट वी कैन से एट द मोमेंट वसीम भाई ने बहुत ही खूबसूरत बात की है मुझे आज ये लगता है कि हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है बर्दाश्त की बर्दाश्त की कमी इस कदर ज़्यादा हो चुकी है कि हम इख्तलाफ बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे किसी की इतनी ज़रूरत कि तुम हमसे इख्तलाफ कर रहे हो तुम हमारे खिलाफ बात कर रहे हो तो भाई अगर वो बात कर रहा है तो उस बात का जवाब दीजिए उस इख्तलाफ को दुश्मनी तक मत लेके जाइए कि आप उसकी जान के दुश्मन हो जाएं उसकी जान के दर पे हो जाएं क्योंकि बिल आखिर हमें उसकी अदालत में जाना है और हमें उसकी अदालत में जाके जवाब देना है वहां पे ना कोई ओहदा काम आएगा और ना कोई सिफारिश काम आएगी वहां पे आपने जो कुछ किया होगा आपको उसका जवाब देना पड़ेगा वहां कोई तगड़ा नहीं है जी बिल्कुल वहां कोई तगड़ा नहीं बिल्कुल और ये था आज के प्रोग्राम तंजो मजा देखते रहिए प्रोग्राम तंजो मजा पाकिस्तान जिंदाबाद